नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर LNV वैष्णव। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले भटियागढ़ में स्थित अर्थ के अकेले एकमात्र विशाल गौ अभ्यारण्य में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल विशेष रूप से कार्यक्रम में उपस्थित थे। उन्होंने सभी का स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। उन्होंने कहा यह राजनीतिक मंच नहीं है। वर्ष 2016 में प्रारंभ हुई यह यात्रा आज विशाल वट वृक्ष के रूप में दिखलाई दे रही है। जब यह यात्रा प्रारंभ हुई थी तब इस क्षेत्र में कुछ भी नहीं था, बंजर जमीन में पौधे लगाए गए और आज ये विशाल वृक्ष बन गए हैं। उन्होंने उन सभी का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद दिया जिन्होंने विषम परिस्थिति में इस गौ अभ्यारण्य को संरक्षण और संवर्धन करने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। विदित हो कि जब प्रहलाद सिंह पटेल दमोह के सांसद हुआ करते थे तो उन्होंने आवारा पशुओं के नियंत्रण करने के लिए एक योजना बनाई और इस गौ अभ्यारण्य की कल्पना पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया। वर्ष 2016 में इसकी योजना पर कार्य प्रारंभ हुआ और फिर धीरे धीरे अब यह काफी विस्तार ले चुकी है यह योजना और भारत का एकमात्र विशाल गौ अभ्यारण्य यह बन गया है। यहाँ पर गायों का संरक्षण होता है, संवर्धन होता है, जैविक खेती होती है और प्रकृति से जुड़कर सब कार्य किया जाता है। यहाँ समयदानी लोग हैं। प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि यहाँ जो सेवा भाव से जो कार्य कर रहे हैं उनको हम इसी परिसर में मकान बनाकर देंगे। उनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था की गई है। सरकार पर आधारित नहीं यह ऐसे लोगों पर आधारित योजना है और कार्य है गौ अभ्यारण्य का, जिसमें श्रमदान होता है और आम जनमानस इसमें सहयोग करता है। जिन्होंने विषम परिस्थितियों में भूसा दिया, जिन्होंने विषम परिस्थितियों में कार्य किया, उन सबका उन्होंने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे ये योजना आगे बढ़ती जा रही है, मूर्त रूप लेती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि इस अवसर पर हम एक और गौ अभ्यारण्य को आगे बढ़ा रहे हैं और वह जवीरा में स्थित है। उस गौ अभ्यारण्य को आगे बढ़ाने की योजना पर कार्य चल रहा है। नर्मदा सेवा खंड द्वारा ये संचालित योजनाएं हैं जो एक उदाहरण बन रही हैं देश के लिए। आयोजन में किस प्रकार लोगों की उपस्थिति हुई और मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने स्वयं दीवारी नृत्य करने वाले गवालों के साथ नृत्य भी किया, सभी ने सहभोज किया। जिनने शुरुआत से देखा है तो ये 8 साल पूरे हो गए, 9वां वर्ष शुरू है। अन्नकूट का कार्यक्रम पहले वर्ष से ही होता था, छोटे पैमाने पर होता था। तब हम सबका देखने का जो था तो सबको सूखा दिखता था, आज हरियाली दिखती है, बाकी चीज़ें दिखती है। लेकिन कुछ नए काम भी शुरू किए। 2086 की संख्या इस बार गोवंश की है जो रजिस्ट्रेशन किया है सरकार ने। इस बार नई व्यवस्था ज्वार और मक्के के जो
संक्रमण से हुआ है करवी से, वो 400 टैली होने के बाद अब हम आश्वस्त हो गए हैं कि हमको भोजन का संकट नहीं होगा। नर्सरी में 20,000 पौधे तैयार हुए, इस बार का लक्ष्य 1,00,000 पौधों का है, ये हम 10,00,000 तक पहुंचाने में काम करेंगे। तीसरा निर्णय है कि इस बार ठंड से कोई खेल गतिविधि शुरू करेंगे, जो तहसील स्तर की हो या जिला स्तर की हो, उस पर हम भारतीय खेलों के लिए यहाँ पर अपना खेल की प्रतिस्पर्धा शुरू करेंगे। दुग्ध कलेक्शन का काम और दुग्ध उत्पादन का काम, इसका प्रस्ताव सरकार को भेजा है, उसमें सहयोग मिलेगा तो वो करेंगे। अभी हमें कुछ यंत्रों की ज़रूरत है, वो प्रस्ताव हमने डाला है, सरकार देगी तो ठीक है, नहीं तो समाज से मिलकर हम उसको पूर्ति करेंगे। आपका ये संकल्प लगातार आगे बढ़ता गया और भारत का सबसे बड़ा और पहला गौ अभ्यारण्य ये बना, किस प्रकार की कल्पना थी जब ये प्रारंभ हुआ? ऐसा तो नहीं मानता, लेकिन इतना मानता हूँ कि लोग आएंगे तो संतुष्ट होकर जाएंगे। वर्ष 2016 से लगातार इस यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया जाता है और प्रति अन्नकूट महोत्सव में प्रहलाद सिंह पटेल पहुँचते हैं, सभी का करते हैं आभार व्यक्त। उनका कहना है कि यहाँ निमंत्रण नहीं दिया जाता है, सूचना दी जाती है और जो लोग आते हैं उनको भोजन प्रसादि दी जाती है, वो ग्रहण करते हैं। यहाँ पर उनका आग्रह था कि जो भी आए वह कोई उपहार लेकर ना आए, गौ माता के लिए जो कुछ भी देना चाहें वो दे सकते हैं, चाहे वो चारा हो, भूसा हो अथवा दवाइयाँ हो, अन्य सामग्री हो, वह सब कुछ गौ माता के लिए समर्पित कर सकते हैं।